पश्चिम बंगाल में एक बार फिर राम नवमी के दौरान हिंसा की घटना देखने को मिली। ये हिंसा एक जगह नहीं बल्कि दो दो जगह हुई। बंगाल के मुर्शिदाबाद में ये हिंसा तब हुई जब राम नवमी की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी और इस दौरान दो समुदाय के बीच झड़प हो गई। इस हिंसा में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। कैसी हुई ये हिंसा और क्यों हंगामा हुआ, चलिए आपको विस्तार से इस वीडियो में बताते हैं। दरअसल 17 अप्रैल को बंगाल में राम नवमी के अवसर पर जगह जगह पर शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। राज्य में करीब 5000 धार्मिक जुलूस निकाले गए थे। इस दौरान दो जगहों पर हिंसा हुई। पहला मामला बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का है। मस्जिद के पास से शोभा यात्रा होकर गुजर रही थी, तभी दो समुदाय में झड़प हो गई। इसमें कई लोगों के घायल होने की भी खबर है। दूसरे मामले की बात करें तो मेदिनीपुर के इगरा में दो समुदाय के बीच झड़प हुई और आगजनी की गई, जिसके चलते करीब 18 लोग घायल हो गए, जिसमें कि दो नाबालिग और एक महिला शामिल है। इस मामले को लेकर अब सियासी माहौल भी गर्मा गया है। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने हिंसा के कुछ वीडियो शेयर किए हैं। उन्होंने लिखा, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए कलंक है। वो एक बार फिर राम नवमी शोभा यात्रा की सुरक्षा करने में विफल रही। मुर्शिदाबाद के रेजी नगर में हिंदू श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया। इस क्षेत्र में हिंदू अल्पसंख्यक हैं। रेजी नगर में एक छत से लोगों के पत्थरबाजी करने का भी वीडियो सामने आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे हिंसा के चलते तनाव बढ़ा। भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा और आंसू गैस के गोले दागने पड़े। घटना पर टिप्पणी करते हुए भाजपा के राज्य महासचिव जगन्नाथ चट्टोपाध्याय ने कहा, कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य पुलिस का काम था। हम चुनाव आयोग से वहां के पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आग्रह करते हैं। हालांकि पुलिस ने घटना पर कोई बयान नहीं दिया है। उधर टीएमसी ने बीजेपी पर चुनाव से पहले तनाव पैदा करने का आरोप लगाया। टीएमसी नेता शांतनु सेन ने कहा, भाजपा चुनाव से पहले दंगे कराने की कोशिश कर रही है। हम हिंसा की ऐसी घटनाओं की निंदा करते हैं जो भाजपा का काम है। जिन ममता बनर्जी पर सुबह के लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी थी, वो तो पहले ही दंगे की आशंका जताकर बीजेपी पर आगे होने वाले दंगे के आरोप मढ़कर अपने कर्तव्य से फारिग हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि राम नवमी का दिन उनके लिए दंगा करने का दिन है। मैं अल्पसंख्यक भाइयों से कहना चाहती हूँ कि अगर वो आपको गाली देते हैं तो शांत रहें, दिमाग ठंडा रखिएगा, उनकी विदाई की दुआ कीजिएगा। एक तरफ ममता बनर्जी बीजेपी को दंगा पार्टी बताती रही, तो वहीं बीजेपी ममता बनर्जी को अपराधियों को संरक्षण देने वाली मुख्यमंत्री कहकर हमला बोलती रही। खैर, ये तो सियासी आरोप प्रत्यारोप है। फिलहाल इस पूरे मामले को पुलिस ने नियंत्रण में बताया है और क्षेत्र में अतिरिक्त बल भेजा गया है। घायल लोगों को बहरामपुर के मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज अभी जारी है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर एक अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके।